एम्स बिलासपुर में सफाई कर्मियों ने सैलरी कम मिलने को लेकर हड़ताल कर दी है और कंपनी के खिलाफ खूब नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि जब उन्हें कंपनी के द्वारा रखा गया था तब उन्हें 19,000 वेतन देने की बात कही गई थी, लेकिन अब एक महीना बीत जाने के बाद उन्हें 10,000 देने की बात कंपनी कर रही है, जिसको लेकर एम्स के परिसर में कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और उन्होंने एम्स प्रशासन व कंपनी को चेतावनी दी है कि अगर कर्मचारियों को बताया गया वेतन नहीं दिया जाता तो सभी कर्मचारी मिलकर रात दिन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। वहीं उन्होंने कंपनी पर आरोप भी लगाया कि शुरू में उनसे 5,000 नौकरी लेने के लिए पैसे भी देने पड़े हैं। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि उनसे कंपनी अब सादे कागजों पर एग्रीमेंट करने की बात कर रही है, जिसका कर्मचारियों ने विरोध कर दिया है और प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही कंपनी के ऊपर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये उंगली आई, इनमें दर्द लगी थी एयर वाली जालियां साफ करके, वो भी साफ करते हैं। मैं यहाँ पे हाउसकीपिंग में काम कर रही थी एमजी सोलंकी कंपनी के अंतर्गत। तो यहाँ पे सर जब हमने ज्वाइन किया था तो हमारे से 5,000 रुपए सिक्योरिटी लेके ज्वाइन किया गया था और हमारे को बोला गया था भी आपकी सैलरी 19,000 होगी, 19,000 सैलरी बताई थी। पीएफ काटने के बाद हमारे को बताया था आपको 17,000 सैलरी मिलेगी। तो सर आज हमारी सैलरी है, जब सैलरी देने की बात आई है, हमने 5 अगस्त से ज्वाइन किया था और आज 5 सितंबर को हमारे को महीना हो गया था। अब जब हमारी सैलरी देने की बात आई है तो ये लोग बोल रहे हैं भी हम आपकी सैलरी 10,000 देंगे। तो सर ये कौन सा रूल है, कौन से उसका रूल है ये भी हमारे को 10,000 सैलरी देंगे? पहले इन्होंने हमारे को 19,000 बताई, अभी हमारे से खाली स्टाम्प पेपर ले रहे, उसमें बोल रहे हम कंडीशंस लिखेंगे आप साइन करना। सर हम कंडीशंस पढ़ने के बाद साइन करेंगे, तो इन्होंने अभी हमारे से साइन तो नहीं करवाया, खाली स्टाम्प पेपर ले लिए हुए। पूरी नहीं होगी तब तक हम यही हड़ताल ऐसे ही चलाएंगे, दिन दिन रात करके हम यही खड़े रहेंगे। तो यहाँ पे सर जब हमने ज्वाइन किया था तो हमारे से 5,000 रुपए सिक्योरिटी लेके ज्वाइन किया गया था और हमारे को बोला गया था भी आपकी सैलरी 19,000 होगी, 19,000 सैलरी बताई थी। पीएफ काटने के बाद हमारे को बताया था आपको 17,000 सैलरी मिलेगी। तो सर आज हमारी सैलरी है, जब सैलरी देने की बात आई है, हमने 5 अगस्त से ज्वाइन किया था और आज 5 सितंबर को हमारे को महीना हो गया था। अब जब हमारी सैलरी देने की बात आई है तो ये लोग बोल रहे हैं हम आपकी सैलरी 10,000 देंगे। तो सर ये कौन सा रूल है, कौन से उसका रूल है ये भी हमारे को 10,000 सैलरी देंगे? पहले इन्होंने हमारे को 19,000 बताई, अभी हमारे से खाली स्टाम्प पेपर ले रहे, उसमें बोल रहे हम कंडीशंस लिखेंगे आप साइन करना। सर हम कंडीशंस पढ़ने के बाद साइन करेंगे, तो इन्होंने अभी हमारे से साइन तो नहीं करवाया, खाली स्टाम्प पेपर ले लिए हुए। सर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यही हड़ताल ऐसे ही चलाएंगे, दिन रात एक करके हम यही खड़े रहेंगे। सर हम अपने घर में बच्चे छोड़ के इधर आ रहे हैं और ये लोग हमारे नहीं सुन रहे। सर सुबह यहाँ पे हम 7 बजे से यहाँ खड़े हैं, हम 7 बजे हमारे को यहाँ बुला देते, शाम को हमारे को 5:30 छुट्टी करते, ये 5:30 भेजते हैं हमारे को। हमारे से सर ये इतने गंदे गंदे वॉशरूम हाथ से साफ करवाते हैं सर, डॉक्टर नर्स जो है उनको वॉशरूम बिल्कुल क्लीन चाहिए और सर आज बोल रहे हम आपकी सैलरी 10,000 देंगे। सर इतना गंदा काम हम 10,000 में नहीं करेंगे। पेमेंट बताई गई, अब सर हमें 1 महीने हो गया इधर काम करते हुए, अब जब पेमेंट का टाइम आया तो हमें बोल रहे हैं आपको 10,000 रुपए पेमेंट मिलेगी। इससे पहले सर प्रशासन और ये कंपनी वाले कहाँ सो हुए थे जब हमारी ज्वाइनिंग करवाई? 1 महीना लाने के बाद हमें बता रहे हैं 10,000 रुपए पेमेंट मिलेगी आपको। सर अंदर जाके चलो आप, इतना मंदा हाल है, हमें बताए हमने कैसे काम किया है, 10,000 रुपए में कौन सर सफाई कर्मचारी काम करेगा? सर आप अभी हमारे साथ चलो अंदर देखो कौन सा काम है। 5,000 हमारे से सिक्योरिटी के लिए गए पैसे, इंटरेस्ट चार्जेस है और सिक्योरिटी चार्जेस है सर, हमने वो भी पैसे दिए जैसे कंपनी ने बोला, हमने सर इनके रूल फॉलो किए। अब जब पेमेंट की बारी आई, खाली स्टाम्प पेपर भी सर हमसे लिया गया, उसमें इन्होंने बोला हम अपनी शर्तें लिखेंगे वो आपको करनी पड़ेगी। हम सर इनकी शर्तों के लिए हमने वो स्टाम्प पेपर भी दिया। अब जब सब हमारी पेमेंट की बारी आई तो हमें बोलते हैं अब ऊपर से एम्स से हमें ऑर्डर आया है कि आपको 13,000 रुपये 10,000 रुपये जो भी सैलरी है वो देंगे, 10,000 रुपये बताए सर। प्रोजेक्ट है स्टेट का जो प्रोजेक्ट है बिलासपुर में भी जो बंदे काम कर रहे हैं, 10,000 रुपये तो सर स्टेट गवर्नमेंट उनको दे रही है, तो ये सेंटर का प्रोजेक्ट कैसे हो गया, इसमें कैसे 10,000 रुपये पेमेंट दे रहे हैं सर?